सो है गाइस, तो आज का वीडियो के अंदर बताएंगे टॉप 5 बेस्ट बाइक अंडर 2.5 लाख। अगर गाइस आप 2.5 लाख के अंदर बाइक कोई बाय करने जा रहे हो तो ये वीडियो को आप लोग भाई जरूर शुरू गाइस लास्ट तक देखो, आप लोगों को बहुत कुछ गाइस हेल्पफुल वीडियो हो जाएगा। और साथ में बताएंगे जो कौन कौन सा बाइक यहाँ पे टॉप 5 बाइक के अंदर आ रहा है। अगर गाइस ये बाइक को आप लोग खरीद लोगे तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा वाला पिकअप एंड साथ में ब्रेकिंग कंट्रोल प्राइस भी अच्छा देखने को मिलेगा, माइलेज भी अच्छा देख सकते हो, सारे कुछ यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा क्वालिटी देख सकते हो। तो आज हम लोग बताएंगे 2023 के अंदर बेस्ट बाइक अंडर 2.5 लाख के अंदर। तो सबसे पहले जो नंबर 1 के लेके बात करते हुए KTM RC 200, तो ये जो बाइक है ना बहुत ही खतरनाक तरीके से देख सकते हो। साथ में ये जो बाइक है इंजन का पावर है ना बहुत ही खतरनाक तरीके से देख सकते हो। न्यू जो 2023 के अंदर जो RC 200 है ना, इसका लुक भी आप लोग को थोड़ा बहुत ही चेंजेस देख सकते हो। साथ में इंजन कैपेसिटी को लेके बात करें तो बेस्ट पावरफुल रेसिंग बाइक बोल सकते हो। इसका जो इनिशियल पिकअप एंड टॉप स्पीड बहुत ही खतरनाक तरीके से देखने को मिलेगा। और बाइक का प्राइस को लेके बात करेंगे तो 2.2 लाख एक्सट्रीम प्राइस है एंड ये जो 2.4 लाख के अंदर आ जाएगा, मतलब 2,50,000 के अंदर आराम से गाइस आ जाएगा KTM RC 200। और अभी हम लोग गाइस बात करेंगे KTM RC 200 को इंजन कैपेसिटी को लेके, यहाँ पे 199 cc लिक्विड कूल 4 वाल्व का आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगा। और गाइस ये बाइक का BHP को लेके बात करें तो 25.8 BHP साथ में 10,000 RPM के साथ। और अभी हम लोग गाइस बात करेंगे तो KTM RC 200 का गियर स्पीड को लेके बात करेंगे तो यहाँ पे 6 स्पीड गियर बॉक्स स्लीपर क्लास के साथ देखने को मिलेगा। और ये जो न्यू जो 2023 का जो न्यू जो KTM RC 200 का जो ब्रेकिंग कंट्रोल यार बहुत ही खतरनाक तरीके से देख सकते हो, जैसे ड्यूअल चैनल ABS मतलब एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम और कंपनी इसके अंदर बहुत ही पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। जैसे यहाँ पे डिस्क साइज को लेके बात करें तो सामने मतलब फ्रंट यहाँ पे 320 mm, रियर यहाँ पे 230 mm डिस्क साइज देख सकते हो। और लाइटिंग सिस्टम को लेके बात करें तो LED हेडलाइट प्रोजेक्ट और लैम्प देखने को मिलेगा, साइड इंडिकेटर यहाँ पे LED और पीछे का टेल लाइट भी LED, मतलब सारे कुछ सब कुछ LED। और मीटर कैपेसिटी को लेके बात करेंगे तो डिजिटल LCD TFT मीटर भी देखने मिलेगा। और ये जो न्यू जो KTM RC 200 के अंदर भाई कंपनी ने यूज किया USB सस्पेंशन और रियर FM मोनोशॉकर, सारे कुछ जो फीचर्स है ना बहुत ही बढ़िया देख सकते हो। तो गाइस नंबर 2 को लेके बात करें तो Yamaha R15 M, और हाल ही में गाइस मैंने बाइक को बाय कर लिया, खरीद लिया। तो बाइक का जो बाइक क्या बोलो, मैनेजर खुद चलाया, इसका जो ब्रेकिंग कंट्रोल एंड साथ में जो पिकअप है ना बहुत ही खतरनाक तरीके से देख सकते हो। माइलेज गाइस मेरे को मिल रहा है ऐसे 35 से 40 तक माइलेज आराम से देखने मिलेगा, मतलब अगर आप नॉर्मल चलाओगे तो 40 तक आराम से दे देगा, 40 से 45 तक थोड़ा बहुत यार कुछ दिन चलाने के बाद ही देगा, ठीक है। और न्यू जब खरीद लोगे तब जाके 30 से 35 तक आराम से मिलेगा। और बाइक का प्राइस को लेके बात करें तो यहाँ पे 1.96 लाख एक्सट्रीम प्राइस है, मतलब 2 लाख के अंदर भाई एक्सट्रीम प्राइस मिल रहा है। और बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है ना 2,30,000 के अंदर आराम से गाइस कोई सिटी के अंदर ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा। और अभी हम लोग गाइस बात करेंगे बाइक का इंजन कैपेसिटी को लेके, यहाँ पे 155 cc लिक्विड कूल 4 वाल्व का आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगा। और ये जो R15 M के अंदर भाई कंपनी ने यूज किया VVA टेक्नोलॉजी। VVA टेक्नोलॉजी क्या होता है, 5 से 6,000 RPM के बाद ये VVA टेक्नोलॉजी गाइस यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। जब ये VVA टेक्नोलॉजी एक्टिव हो जाता है बाइक का पावर यार बहुत ही खतरनाक तरीके से देख सकते हो। और साथ में गाइस यहाँ पे कंपनी ने यूज किया 18.4 BHP साथ में 10,000 RPM के साथ। और R15 जो M का जो ब्रेकिंग कंट्रोल है ना गाइस बहुत ही खतरनाक तरीके से देख सकते हो, जैसे ड्यूअल चैनल ABS मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। और इसका जो ABS का जो काम है ना, मैंने तो गाइस खुद चलाया, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। और अभी हम लोग गाइस बात करेंगे डिस्क साइज को लेके बात करेंगे तो यहाँ पे सामने 282 mm और रियर पे 290 mm डिस्क साइज देख सकते हो। और ये बाइक के अंदर कंपनी एक्स्ट्रा जो फीचर्स देखने को मिलेगा, जैसे क्रूज शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड सारे कुछ यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलेगा। तो ये जो बात है ना, मेरे को तो गाइस ऑन का बात लगा। और साथ में यहाँ पे USB सस्पेंशन एंड रियर पे मोनोशॉकर, डिजिटल LCD TFT मीटर। तो ये जो डिजिटल TFT मीटर है ना एकदम गाइस R15 का कॉपी है और मेरे को तो गाइस बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग बताओ ये जो लुक है ना कैसा लग रहा है, ऑब्वियसली आप लोग एक बार भाई कमेंट करके बता देना। नंबर 3 को लेके बात करेंगे तो ये जो सबका जो बीस्ट है ना बजाज पल्सर RS 200, तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक तरीके से देख सकते हो, बहुत ही एक पावरफुल बाइक बोल सकते हो इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। बट ये बाइक का जो फीचर्स है ना भाई थोड़ा सा यार कम देखने को मिलेगा, बट इसका जो इंजन का दम है ना बहुत ही खतरनाक तरीके से देख सकते हो, मतलब 200 cc के अंदर भाई किंग भी बोल सकते हो। बाइक का प्राइस भी कम देखने को मिलेगा, साथ में यार इंजन का दम भी बहुत ही अच्छा तरीके से देख सकते हो, बेस्ट पावरफुल रेसिंग मशीन बोल सकते हो। और अभी हम लोग गाइस बात करेंगे बजाज पल्सर RS 200 का प्राइस को लेके बात करेंगे तो यहाँ पे 1.72 लाख एक्सट्रीम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस को लेके बात करेंगे तो 2 लाख से ऊपर जाता है, जैसे भाई 2,10,000 से 2,20,000 के अंदर भाई आराम से मिल जाता है कोई सिटी के अंदर। और अभी जो न्यू जो 2024 के अंदर आ रहा है RS 200 न्यू मॉडल लेके आएगा बहुत ही जल्दी। और RS 200 के अंदर भाई इंजन कैपेसिटी को लेके बात करेंगे तो यहाँ पे 199 cc लिक्विड कूल 4 वाल्व का आपको यहाँ पे इंजन देखने
मिलेगा। और बाइक का बीएचपी को लेके बात करके तो यहाँ पे 24.5 बीएचपी साथ में 9750 आरपीएम के साथ। और RS 200 के अंदर भाई कंपनी ने यूज किया 6 स्पीड गियर बॉक्स स्लीपर क्लास के साथ देखने को मिलेगा। और RS 200 का जो ब्रेकिंग कंट्रोल है गाइस ये भी गाइस बढ़िया है, डीएल चैनल एबीएस मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और कंपनी इसके अंदर बहुत ही पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। आप लोग गाइस बोल सकते हो लो प्राइस के अंदर बहुत ही एक अच्छा खासा इंजन कैपेसिटी देखने को मिलेगा ये जो RS 200 के अंदर। और मेन जो बात है RS 200 के अंदर भाई बहुत जल्दी भाई 2024 के अंदर न्यू एक बाइक लॉन्च होने जा रहा है, मतलब अपडेटेड वर्जन है, इससे भी बढ़िया हो जाएगा। और भी नंबर 4 को लेके बात करेंगे तो अभी सुजुकी जिक्सर SF250 बाइक बोल सकते हो। तो ये जो गाइस अब बहुत ज्यादा कम प्राइस के अंदर आप लोग 250 सीसी का बाइक चाहिए और भी गाइस स्पोर्ट बाइक सुजुकी के अंदर भाई जा सकते हो, क्योंकि बाइक के अंदर पिकअप भी अच्छा देखने को मिलेगा, प्राइस भी अच्छा देखने को मिलेगा, माइलेज भी अच्छा देखने को मिलेगा, सारी कुछ यहाँ पे बढ़िया ही देख सकते हो। ये जो बाइक का जो प्राइस है अंडर 2 लाख के अंदर देखने को मिलेगा एक्सट्रीम प्राइस है। अंडर प्राइस को लेकर बात करें तो यहाँ पे 2 लाख से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। और बाइक का इंजन कैपेसिटी को लेकर बात करें तो यहाँ पे 249 सीसी वाइल्ड कूलेड और 4 वाल्व का यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगा। और बाइक का बीएचपी को लेकर बात करें तो यहाँ पे 26.5 बीएचपी साथ में 9300 आरपीएम के साथ। और ये बाइक के अंदर भी कंपनी ने यूज किया 6 स्पीड गियर बॉक्स। अभी हम लोग बात करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही है, डीएल चैनल एबीएस मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और कंपनी इसके अंदर बहुत ही पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। और लाइटिंग सिस्टम को लेकर बात, इतना सारे बाइक मैंने अभी बताया, सारे बाइक के अंदर तुम लोग एलईडी हेडलाइट लैंप देख सकते हो, साइड एंड निकल रहा है यहाँ पे गाइस एलईडी देखने को नहीं मिलेगा। बट अभी जो 2024 के अंदर जो अपडेटेड वर्जन आ रहा है उसके अंदर हो सकता है एलईडी बाइक कंपनी दे देगा, अगर दे देगा तो यार बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। लो प्राइस के अंदर 250 सीसी ओबी गाइस स्पोर्ट बाइक चाहिए तो सुजुकी जिक्सर SF250 के अंदर जा सकते हो आप लोग। सो गाइस अभी हम लोग गाइस बात करेंगे नंबर 5 को लेके, यहाँ पे R15S। तो अगर गाइस आप R15 को बाय करना चाहते हो ओबी गाइस बहुत ही कम प्राइस के अंदर, तो जो R15S के अंदर जा सकते हो, क्योंकि R15M का जो प्राइस है R15S का जो प्राइस है बहुत ही आसमान जमीन का फर्क है। बट एक जो बात है ना, दोनों बाइक के अंदर सेमी इंजन देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे फीचर्स थोड़ा कम देख सकते हो R15S के अंदर, जैसे यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सारे कुछ तो भाई बढ़िया है, बट थोड़ा सा लुक चेंजेस और यहाँ पे फीचर थोड़ा कम देख सकते हो, और सारे कुछ यहाँ पे सेम टू सेम वही है। जैसे यहाँ पे R15S का जो बेस्ट पावरफुल इंजन भी बोल सकते हो ये बाइक के अंदर, क्योंकि ये बाइक का जो बीएचपी ना 18.6 बीएचपी साथ में 10,000 आरपीएम के साथ। और इंजन कैपेसिटी को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे 155 सीसी लिक्विड कूल 4 वाल्व का आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगा। और ये बाइक के अंदर भी कंपनी ने वो यूज किया VVA टेक्नोलॉजी, और VVA का टेक्नोलॉजी का जो पावरफुल है ना बहुत ही खतरनाक तरीके से देख सकते हो। और बाइक का प्राइस को लेकर बात करेंगे तो 1.65 लाख एक्सट्रीम प्राइस है, अंडर प्राइस शायद हो सकता है अंडर 2 लाख के अंदर भी मिल जाएगा, बट ये अंडर 2 लाख के अंदर मिल जाएगा तो बहुत ही एक अच्छा खासा बात है। और ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर बात करें तो इसके अंदर भी कंपनी ने सेम टू सेम वही वाला ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जैसे डीएल चैनल एबीएस मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा खासा पावरफुल एक ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। और एलईडी हेडलाइट लैंप और साइड इंडिकेटर यहाँ पे हैलोजन देखने को मिलेगा, टेल लाइट यहाँ पे एलईडी देख सकते हो, और सारे कुछ बढ़िया है। और R15S के अंदर यहाँ पे माइलेज को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे 40 से 45 तक माइलेज यहाँ पे आराम से देखने मिलेगा, बेस्ट लो प्राइस के अंदर अच्छा वाला बाइक मिल सकता है आप लोगों को। तो मैंने गाइस ये 5 बाइक का नाम बता दिया, तो आप लोग बताओ सबसे बढ़िया कौन सा बाइक आपको अच्छा लगा वो भी गाइस कमेंट करके बता देना। और मेरा चैनल के अंदर आप लोग नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को जो शेयर करो। सो चलिए आज का वीडियो इतना ही, एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।